Hello students, I will start chapter number 5, cell part 2. The shape and size of the cell are related to the specific function they perform. देखो जो सेल का जो शेप और साइज होता है वो किस तरह से होता है, मतलब कि वो किस तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. जैसे कि एक अमीबा है जो कि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो शेप है और जो उसका साइज है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो उसका फंक्शन है वो एक ही सेल से मतलब परफॉर्म करता है. क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक ही सेल से अपना सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, क्योंकि जो अमीबा होता है वो क्या है, उसकी जो शेप है वो चेंजिंग होती रहती है, मतलब इरेगुलर शेप है, फिक्स नहीं है. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल. लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप. जो नर्व सेल होता है वो एक क्या है, टिपिकल शेप होती है उसकी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये क्या है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं और ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है. ठीक है, तो नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, और क्या है, नर्व सेल इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोन. न्यूरॉन भी बोलते हैं हम नर्व सेल को. ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म. ठीक है, जो लिविंग सेल्स होते हैं उनकी इस तरह की कैपेसिटी होती है कि वो क्या मतलब फंक्शंस को परफॉर्म कर सके. क्योंकि जो सेल्स होते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल्स होते हैं वो एक बेसिक यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, जो हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो किस वजह से, वो सेल्स की वजह से. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन. जो सेल होते हैं वो किस तरह से ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, तो वो सब कौन करते हैं, हमारे सेल्स ही तो करते हैं. तो वो सेल्स जो है वो किस तरह से बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग एक क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. मतलब जो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो जो सेल्स हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. तो हर एक जो ग्रुप ऑफ सेल है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर जो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है या फिर ऑर्गन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. मतलब हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में जैसे कि लाइक लंग्स, ठीक है, वो रेस्पायरेट करते हैं, और हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करते हैं, स्टमक जो है वो डाइजेशन करता है. तो डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड. जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, टू स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड एंड सो ऑन. और जो हमारा स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन जो एक सेल होता है उसमें भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. क्योंकि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं. मतलब जैसे कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बींग की जो बॉडी है, उसकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल है एंड इंटरनल ऑर्गन है, तो वो डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. तो वैसे ही सेल के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तो वो डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. मतलब जो एक सेल है तो उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनिल्स है, तो वो भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. मतलब जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो क्या करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. मतलब स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. तो एक तरीके से जो सिंगल सेल होता है वो भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब हर एक सेल ऑर्गेनिल्स क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. जैसे कि कुछ जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो क्या करेंगे, मटेरियल को, न्यू मटेरियल को मेकिंग करेंगे, मतलब नया मटेरियल बनाएंगे. और कुछ जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन करने में हेल्प करेंगे, एंड सो ऑन. अ सेल इज एबल टू परफॉर्म
टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दी सेल ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमारे जो सेल होता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनी है, सेल से, तो हमारे जो सेल होता है वो क्या करता है, उनकी जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो सब क्या करती हैं, वो अपना जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करती हैं, जिससे कि हमारा जो सेल है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, हमारी जो बॉडी है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके. दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. और जब वो सेल ऑर्गेनल्स आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ठीक है, तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल आर फाउंड टू बी सेम ऑर्गेनल्स. और ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सबके अंदर सेम होती है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब में सेम होगा, ये नहीं कि उसका शेप, मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या फिर राइबोसोम नहीं होगा, वो सब. एंड नो मैटर वॉट देयर फंक्शन, और ये कोई मैटर नहीं करता कि वो किस तरह से, उसका फंक्शन क्या है, एंड वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, और वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है. वॉट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, जो सेल है वो किससे बना है. वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, ठीक है, और जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. वी सो अबो दैट द सेल हैव स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स कॉल कॉम्पोनेंट कॉल ऑर्गेनल्स. देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो सेल होता है उसकी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होती हैं. हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. ठीक है, अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ थ्री जो मेन फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. जैसे कि जो सेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. शॉर्ट में लिख लूँ, सी का मतलब सेल और एम का मतलब मेम्ब्रेन. ठीक है, और जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, और जो यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो यह हर एक सेल में क्या है, कॉमन होते हैं. ओके, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो हर एक सेल में कुछ फीचर्स होते हैं कॉमन, वो क्या है, थ्री मेन फीचर्स हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. जो भी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट में, वो सब क्या है, वो किसकी वजह से, ये थ्री मेन फीचर्स की वजह से. लेट अस सी नाउ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम बोलते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कॉन्टेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. जो हमारा, जैसे कि ये सेल है, तो सेल का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट दे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. जो भी सेल के अंदर कोई मटेरियल है उसकी एंट्री होना, सेल के अंदर कोई मटेरियल की एंट्री होना या फिर सेल से कोई मटेरियल को एग्जिट होना, तो वो किसकी वजह से होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से. मतलब सेल मेम्ब्रेन ही उसको क्या करता है, परमिट करता है कि किस मटेरियल को अंदर लेकर आना है और किस मटेरियल को रिमूव करना है सेल से. इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल, और ये बहुत सारे मटेरियल्स को क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है, रोकता भी है उसका मूवमेंट को. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन. जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, मतलब SPM, सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. क्योंकि ये क्या करता है, जो मटेरियल प्लांट के सेल के, मतलब जो सेल के लिए जो मटेरियल सही होता है तो उसको क्या करता है, वो परमिट करता है, एंट्री कर देता है, ठीक है, और जो वेस्ट मैटर्स को रिमूव कर देता है. तो इसीलिए क्या है, सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो उसके लिए सही है उसको सिलेक्ट करके परमिट करता है, ठीक है. तो इसको मेम्ब्रेन को बोलते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल. जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मटेरियल को वो एंट्री करता है सेल मेम्ब्रेन और कुछ मटेरियल को एग्जिट करता है, तो जो वो मूवमेंट होता है जो सब्सटेंस का, वो कैसे होता है सेल के अंदर.
Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. जो भी सेल मेम्ब्रेन से कोई जैसे कि अंदर जा रही है ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑक्सीजन के सेल के अंदर जा रही है, इनटेक हो रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो रही है सेल से, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का इनटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, वो किससे प्रोसेस से, थ्रू डिफ्यूज़न, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है थ्रू डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न वाले प्रोसेस से होता है. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर, ठीक है, हम अर्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है. वी सो दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ वेयर इट इज कंसंट्रेशन इज लो. ठीक है, जो मूवमेंट होता है, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं, जो अपना आप ही हो जाता है. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे कि क्या है, सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा है सेल के कंपैरिजन में, तो जो ऑक्सीजन है वो एंट्री हो कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से, ठीक है, तो सेल के अंदर जो आउटसाइड भी सेल क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, मतलब जो मैं एरो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और जो कार्बन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है सेल में वो क्या है, लो है, तो वो क्या होगा, वो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी, फिर वो ऑक्सीजन को जो सेल है वो यूज़ करेगा, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो हाई है और एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लो है, फिर क्या होगा, जो सेल से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब सेल से बाहर आएगी कौन से प्रोसेस से, थ्रू डिफ्यूज़न. तो ये डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस होता है. डिफ्यूज़न जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो गैस का मूवमेंट होता है वो चलता है, और किससे प्रोसेस है, डिफ्यूज़न वाले प्रोसेस से. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन, फॉर एग्जांपल, सम कार्बन डाइऑक्साइड, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ सेल्युलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रिएट आउट बाय द सेल एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. ठीक है, जैसे कि जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो गया, तो उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है सेल से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन है वो हाई है, और अगर हम उसमें आउटसाइड द इन्वायरमेंट में देखें तो फिर क्या है, लो कंसनट्रेशन है. एज सून एज दिस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो इसी से, मतलब जो इनसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन वो हाई है, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो भी ऑक्सीजन एंटर हो रही है सेल के अंदर, तो वो भी किसकी वजह से होगी, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होगी. Thus, diffusion play an important role in the gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment. तो जो सेल है, सेल के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एंट्री हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एंट्री हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रही है, एक्सक्रिएट हो रही है, तो वो किस वाले प्रोसेस से, जो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, तो वो एक्सचेंज हो गया ना, तो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कौन करता है, डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस करता है. तो हमारी क्या है, ये सेल है, और सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल के थ्री मेन फीचर्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन, जो इसमें फ्लूइड पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.